राउत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल और गुवाहाटी में बैठी बेचैन आत्माएं वह किसी भी शब्द का गलत मतलब निकालते हैं। महाराष्ट्र से संबंध टूट जाने से मराठी भाषा के साथ भी संबंध टूट गया ऐसे देख रहा है, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त कहा। संजय राउत ने भाजपा और विद्रोह करने वाले विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि कल का दहीसर भाषण अब मेरे पास है, आपको लगता होगा तो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। वह लोग अभी गुवाहाटी में है पर उनकी आत्मा मर गई, बस उनका शरीर जिंदा है। गुलाबराव पाटिल का यह भाषण मैंने गुवाहाटी में बैठे लोगों के लिए ट्वीट किया है। जो लोग बाप बदलते हैं वो जो वक्तव्य उन्होंने किया है वो बहुत मार्गदर्शक है। लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं और पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और बाप बदल लेते हैं। पिता को बदलने की भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं। जो लोग 40 साल से पार्टी में रहते हैं और फिर भाग जाते हैं तब उनकी आत्मा मर जाती है और वो एक जिंदा लाश के जैसे रहते हैं। जिंदा लाश यह शब्द रामबंधु लोहिया का है, यह नया शब्द नहीं है महाराष्ट्र देश के लिए। असं कोणी सांगितलं आहे? तुम्ही हे पाहिलं का मी काय बोललो आहे ते? बघा, हे भारतीय जनता पक्षाचं आयटी सेल आणि जे गुवाहाटीला बसलेले आहेत अस्वस्थ आत्मे, हे ते काही कुठलाही शब्दाचा अर्थ काढतील काय? त्यांचा महाराष्ट्राशी संपर्क तुटल्यामुळे, मराठी भाषेचा पण संपर्क तुटलेला दिसतोय। मी काल दहीसरचं भाषण माझ्याकडे आत्ता आहे, तुम्हाला मी आता ऐकवतो आणि ही आपल्या बोलण्याची पद्धत आहे महाराष्ट्रामध्ये। जे लोक तिकडे गुवाहाटीमध्ये आहेत उनका जमीर मर गया है, जनता आत्मा मेला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है, जिंदा लाशे, ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। तो यहाँ तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएंगी, आत्मा कहाँ है? उनका आत्मा मर चुका है। या अगर मैं कहाँ है, अगर हे जर मैं बोल लेलो असेन तो त्याच्यामध्ये एवढं मनाला लावून घ्यायचं कारण काय आहे? आणि ते खरं आहे, तुम्ही समजून घेत नाही। मी म्हणे बाप काढला, आत्ताच मी एक भाषण, अभी मैंने एक भाषण ट्वीट किया गुलाबराव पाटील का, आप देख लीजिए, वो खुद बोल रहा है बाप बदलने की भाषा। जो लोग बाप बदलते हैं उस बारे में उसने जो एक वक्तव्य किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। वहाँ जो बैठे हैं गुवाहाटी में उन सभी के लिए गुलाब पाटील का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है, ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। और फिर एक बार मैं कहता हूँ, जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश, जिंदा लाज, जिंदा कौ में, ये शब्द राम मनोहर लोहिया साहब का है। जिंदा कौ में 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये किसने कहा है? ये राम मनोहर लोहिया ने कहा है। तो ये शब्द नया नहीं है महाराष्ट्र और देश के लिए, लेकिन समझ लीजिए आपकी जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई, आपका संपर्क टूटा है समाज से, लोगों से, महाराष्ट्र से, लोगों से, इसलिए आप इस प्रकार का आरोप करते हो।